दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। राहुल गांधी ने संसद में जब बोला जो बोला, उसके बाद से राहुल गांधी की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। जेड प्लस सिक्योरिटी उन्हें मिली हुई है, लेकिन बावजूद इसके उनके घर के आसपास में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खतरा राहुल गांधी को बताया जा रहा है कि किस तरह से हो सकता है उन संगठनों द्वारा जो कि राहुल गांधी के घर के आसपास धरने के रूप में आ रहे हैं। दक्षिण पंथी समूह हैं ये, जो कि राहुल गांधी पर हमला कर सकते हैं, ये बात सामने निकल कर आ रही है। बड़ा सवाल ये है कि राहुल गांधी यहाँ पर जो भी तस्वीर निकल के आ रही है, क्योंकि उनके पिता, उनकी दादी जिस तरह से निशाने पर रही है, देश के दोनों पूर्व प्रधानमंत्री निशाने पर रहे, और राहुल गांधी जब से तीखे तेवर में आए हैं तब से ये चिंता बढ़ रही है। डॉक्टर अनिल सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन्हीं से समझते हैं कि क्या वाकई में राहुल गांधी के लिए दक्षिण पंथी समूह वाली जो बात सामने आ रही है कि उन पर हमला हो सकता है, उनकी जान को खतरा है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये इन तमाम मुद्दों का जो संबंध है वो पार्लियामेंट में हुए राहुल गांधी के द्वारा दिए गए बयान से संबंधित है। एलओपी के रूप में राहुल गांधी ने जिस तरीके से पार्लियामेंट में एक आक्रामक तरीके से बीजेपी पर आक्रमण किया हिंदूवादी शब्द को लेके, उसका ये रिपरकशन है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने बीजेपी को आरोपित किया कि बीजेपी एक हिंदूवादी संगठन है और ये आतंक और नफरत फैलाते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के बाहर जो नैरेटिव आया वो ये आया कि तमाम हिंदू नफरत और आतंकवाद फैलाते हैं। हकीकत कुछ और थी, पार्लियामेंट में बोला कुछ और गया और इंटरप्रिटेशन इसका देश के अंदर में कुछ और किया गया, जिसके वजह से काफी ज्यादा राइटिस्ट विंग में गुस्सा है और उस गुस्से के तहत लोग झुंड में राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने गुस्से को और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। यहां तक कि गुजरात के कांग्रेस के दफ्तर में राइटिस्ट विंग के लोग पहुंचे, हंगामा किया, प्रदर्शन किया, राहुल गांधी के पुतले फूके गए। उसी तरीके का कार्यक्रम दिल्ली में भी इस तरह के विंग के लोग कर रहे थे। इन तमाम परिस्थितियों के बाद दिल्ली पुलिस ने अपने सुरक्षा पैमाने को थोड़ा चुस्त दुरुस्त किया और जो मौजूदा सुरक्षा बल राहुल गांधी को मिला हुआ है उसके अलावा राहुल गांधी के आवास पे दिल्ली पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई ताकि कोई आने वाले दिनों में अनहोनी घटना की खबर ना आए। तो मौलिक रूप से पार्लियामेंट में दिया गया बयान और उसका यह प्रतिक्रिया है। विनीता, अगर राहुल गांधी ने जो कहा उसके जवाब में इस तरह की प्रतिक्रिया है तो आप कैसे देखते हैं? जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि उनकी दादी और उनके पिता देश के प्रधानमंत्री रहे और किस तरह से उनकी मौत हुई, क्या क्योंकि सोनिया गांधी भी बहुत लंबे वक्त से राहुल गांधी को राजनीति से खुलकर सामने आने को लेकर के इसलिए दूरी बना रही थी क्योंकि उन्हें डर लगता था कि भाई उनके परिवार में ये हादसे हो चुके हैं तो अपने बेटे को इससे दूर रखना चाहती थी। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी इन सब चीजों से अछूते रह पाएंगे और इस तरह की बड़ी चिंताएं जो है उनको भी घेर सकती हैं? आपने जो विनीता बात कही ना, ये बहुत पहले जयपुर अधिवेशन में सोनिया गांधी ने कहा था कि सत्ता जहर है, सत्ता हमारे घर के दो दो प्रधानमंत्री को निगल गई है, इसलिए सोनिया गांधी एक मां के रूप में अपने भय से आतंकित रहती है। लेकिन जब आप राजनीति में हैं तो राजनीति के तमाम जोखिम को आपको झेलना पड़ेगा। और जिस तरीके से राहुल गांधी ने बेबाकी से पार्लियामेंट में अपनी बात को कहा, हिंदू देवी देवताओं के तस्वीरों को दिखाया और वो बीजेपी वाले जो बीजेपी संगठन में जो हिंदू लोग हैं उनके ऊपर आक्रमण किया,
वो प्रतिक्रिया दे रहा है, और ये प्रतिक्रिया इतनी तीखी थी कि हाउस में प्रधानमंत्री को खड़ा होना पड़ा, प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि सारे हिंदू ऐसे नहीं हैं, गृह मंत्री को कहना पड़ा, गृह मंत्री को खड़ा होना पड़ा और बोलना पड़ा कि आप अपने बयान को वापस लीजिए, आप माफी मांगिए। तो इसके वजह से दक्षिण पंथी विचारधारा वाले लोगों को बल मिला, और जिसके वजह से ये प्रोटेस्ट की नौबत आई, राहुल गांधी के घर के बाहर भी, गुजरात के बीजेपी कांग्रेस के दफ्तर के बाहर भी प्रोटेस्ट हुआ, इनके पुतले फूंके गए, और आज भी इसके ऊपर तमाम तरह के नैरेटिव चल रहे हैं। तो आपको ये लगता है कुल मिलाकर के राहुल गांधी यहाँ पर जिन परिस्थितियों में एक आक्रामक तेवर के साथ संसद में सामने आए हैं, एलओपी बनते के साथ ही, और उसकी चर्चाएं भी हो रही हैं, लोग उन्हें पसंद भी कर रहे हैं, वहीं पर कुछ हेट्रेड ग्रुप भी हुआ करते हैं जो कि किसी तरह से ऐसी पोजीशन पर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जो सामने नजर आने लगते हैं उनको, उनसे खतरा होने लगता है, तो वो उनको दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। क्या अगर देखा जाए तो उस सिनेरियो पर राहुल गांधी सुरक्षित है? देखिए, राहुल गांधी पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं, और जहां तक जनता के मानसिकता की बात है तो जब भी सरकार के खिलाफ कोई कड़ा बयानबाजी होता है, कोई नेता बोलता है, तो जनता उसको सुनती है और ध्यान से देखती है। यही बात राहुल गांधी के साथ हुआ है। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी पहली बार सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं या प्रधानमंत्री पर उन्होंने अटैक किया है, इसके पहले भी पार्लियामेंट में बोले हैं और उसको पसंद किया गया है, क्योंकि इस बार वो नेता प्रतिपक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष के रूप में, और पिछले 10 सालों में कांग्रेस की जो जीत है वो एक बड़ी जीत है, 98-99 सीट कांग्रेस जीत कर लोकसभा में आई है, इसके पहले वो सिमटी हुई थी 40-45 पे। तो एक जन समर्थन का जो आधार है वो कांग्रेस का बढ़ा है, तो बढ़े हुए जन आधार में राहुल गांधी का व्यक्तित्व उभर के दिख रहा है, और जहां तक मुझे लग रहा है कि देश सक्षम है, देश की सुरक्षा एजेंसियां सक्षम है, और राहुल गांधी की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। ये बस समझ लीजिए कि पार्लियामेंट में दिए गए बयान की प्रतिक्रिया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, इसको इससे ऊपर देखना भी नहीं चाहिए। तो अचानक घर की सुरक्षा बढ़ा देना और इस तरह से जवानों को वहां पर मुस्तैद कर देना, तो इसमें आपको क्या तस्वीर दिखती है, और ये खबर भी बाहर आ जाना जिस तरह से अचानक ये सब कुछ हुआ, ये एक तरह से रूटीन चेकअप है, रूटीन डेवलपमेंट है, दिल्ली पुलिस का रूटीन कार्रवाई है। चूंकि राहुल के नाम पे प्रदर्शन हो रहे हैं, राहुल के नाम पे दक्षिण पंथी विचारधारा वाले लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, ग्रुप में आ रहे हैं, तो इसकी वजह से दिल्ली पुलिस को ये नेसेसरी एक्शन लेना पड़ा, और राहुल गांधी के घर के बाहर, चूंकि दिल्ली की जो सुरक्षा है वो दिल्ली पुलिस की जिम्मेवारी है, अब राहुल गांधी को जो सुरक्षा जेड कैटेगरी के मिली हुई है वो बाहर के लोगों से तो इनको नहीं रोक पाएंगे, इसलिए दिल्ली पुलिस अपनी जिम्मेवारी का पालन करते हुए इनके घर के बाहर सुरक्षा की तैनाती में बढ़ोतरी की है। बेसिक बात यही है, और जिसका संबंध पार्लियामेंट के डिबेट से है, पार्लियामेंट में दिए गए बयान से है, इससे ज्यादा इसको और तूल देने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल तूल देने की आवश्यकता नहीं, लेकिन दक्षिण पंथी समूह बोल करके खबर सामने आना और उनको खतरा है, और हम सभी जानते हैं कि किस तरह से इतिहास में एक ऐसी घटना जो हुई थी वो देश के दक्षिण हिस्से में हुई थी, और आप इसको कैसे, मतलब इस तरह की खबर का सामने आना, इस कैसे इसको रिलेट करेंगे? देखिए, ये दोनों घटनाएं, राजीव गांधी की घटना और इंदिरा गांधी की घटना, से दक्षिण पंथियों का कोई संबंध नहीं है, ठीक है? ये लोग चरमपंथी थे, ये लोग एक तो एलटीटी के लोग थे और दूसरे खालिस्तानी लोग थे, तो इनसे इनका कोई संबंध नहीं है दक्षिण पंथियों का। लेकिन अभी जो तत्काल घटना घटी है, इस घटना में ये प्रदर्शन कर रहे हैं, राहुल गांधी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, राहुल गांधी के पुतले को जला रहे हैं, इस वजह से सुरक्षा को रिव्यू करना आवश्यक है। राजीव गांधी की और इंदिरा गांधी के पे जो हमले हुए वो हमले दूसरे किस्म के थे, वो इनसे ही उन हमलों का कोई संबंध नहीं है दूर दूर तक। विनीता,
जी कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि राहुल गांधी ने जो संसद में बोला उसकी धमक जो है उसके बाद ये असर है, और ये जो देखने को मिली है परिस्थिति कि उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, इस तरह की चिंताएं और इस तरह की तस्वीर सामने आना इतनी बात पर, ये तो जरूर बताता है कि इस वक्त में राहुल गांधी ना सिर्फ लोगों के लाइकिंग में लीडरशिप में आ रहे हैं बल्कि एक थ्रेट की तरह भी अपनी अपोजिशन के सामने दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।